अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3। इस क्वेश्चन में हमें एक फैक्टर गिवन है x प्लस 2, और हमने चेक करना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉलिनोमियल को लेट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है ये इक्वल है p ऑफ x के 3x² - 4kx - 4k² और जो हमें इसमें फैक्टर गिवन है डेट इज x प्लस टू को अगर हम इक्वल टू जीरो करते हैं तो x = -2। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर का जिक्र किया जाए तो इसका मतलब यह होता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर इस फैक्टर पर डिवाइड किया जाएगा तो अंडरस्टूड बात है कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x + 2 पर डिवाइड कर रहे हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं एज x + 2 इज अ फैक्टर, देन p ऑफ -2 जो है ये इक्वल होनी चाहिए जीरो के। अब यहां पर हम p ऑफ -2 फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने इसे लेट किया हुआ कि ये p ऑफ x है, मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां पर x है वहां पर 2 पुट करता हूं, तो इसकी फॉर्म हमारे पास बनेगी 3 × -2² - 4 × k × -2 - 4k² इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 4 + 8k - 4k² = 12 + 8k - 4k² = 0। अब हम इसे अरेंज करते हैं, जो स्क्वेयर है वो सबसे पहले, जिसमें पावर 1 है वो उसके बाद, और कांस्टेंट इसके बाद आ जाएगा। अब इस टर्म में -4 कॉमन आ रहा है, अगर हम -4 कॉमन लेते हैं तो इसकी फॉर्म ये बनेगी। अब चूंकि -4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास k² - 2k - 3 जो है ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास k² - 2k - 3 = 0। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो k² - 3k + k - 3 = 0। मिड टर्म ब्रेक से हमारे पास ये 2 टर्म्स आएंगे। यहां पर हम k कॉमन लेंगे तो k - 3, इन दोनों टर्म्स के अंदर +1 कॉमन लिया जाएगा तो फैक्टर आएगा k - 3। 2 फैक्टर्स आर k - 3 and k + 1 = 0। अब ये दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो है, इस वजह से हम लिखेंगे इधर k - 3 = 0 और k + 1 = 0। यहां पर k की वैल्यू हमारे पास आएगी +3 और k = -1। हमने इस क्वेश्चन में k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसमें k की 2 वैल्यूज फाइंड आउट की। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें गिवन x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर हमेशा जीरो होना चाहिए। अब यहां पर हम x - 1 को इक्वल टू जीरो करते हैं अगर, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो +1 आती है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम x की जगह पर +1 पुट करते हैं, x³ है तो इसका मतलब 1³ हो जाएगा, -k × 1² + 11 × 1 - 6 इट शुड बी इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - k + 11 - 6 = 0। 11 + 1 = 12, 12 - 6 = 6। इसका मतलब -k + 6 = 0। और इसमें हमने चूंकि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेटा k = +6 होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन हमसे ये है कि हमने बताना है कि x - 2 और x - 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं। इसको चेक करने का बड़ा इजी मेथड है कि हम इसके अंदर x - 2 फैक्टर से x की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करें, अगर तो हमारे पास आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं है। सो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू x - 2। तो यहां पर हम लिखते हैं पुट x - 2 = 0, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +2। अब इस +2 को हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं,
पॉलिनोमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स है, तो हम इसे पी ऑफ टू का नेम देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 होल क्यूब माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 फोर जा 48 प्लस 44 इंटू 2 दैट इज 88 माइनस 48। ये है पी ऑफ माइनस 2 की वैल्यू। अब पी ऑफ माइनस 2 यहां पर हमारे पास हो जाएगा इक्वल माइनस 96 प्लस 96। दोनों नंबर सेम है, ऑपोजिट साइंस है, इस वजह से यहां पर रिमाइंडर जो है वो हमारे पास जीरो आएगा। तो इसका मतलब है सिंस एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, कि एक्स माइनस 2 से अगर हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो एट द एंड जीरो बच रही है। अब हम इसे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स माइनस 3। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस 3, और इसे हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये होगी पी ऑफ 3। यहां पे हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। सबसे पहले अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो 3 का क्यूब है हमारे पास 27, हम यहां पर 27 लिख देंगे। यहां पर 3 स्क्वायर है दैट इज 9, 9 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज माइनस 108। इसके बाद 44 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो यहां पे आ जाएगा 132 माइनस 48। ये हमारे पास वैल्यूज हैं पी ऑफ 3 की। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एट द एंड आंसर जो है वो 3 बचता है, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। तो एंड पर आप लिखेंगे कि अगर ये आंसर 0 नहीं दे रहा सिंस एक्स माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर। अगर ये आंसर 0 देता तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर होता, अगर ये आंसर 0 नहीं दे रहा तो ये फैक्टर नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की, तो यहां पर हमें 3 टर्म्स जो है वो गिवन है, 3 फैक्टर्स जो है वो गिवन है, और हमने ये बताना है कि क्या ये इसके फैक्टर हैं या नहीं। उसके लिए सबसे पहले x माइनस 2 है, अगर हम इसे इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू प्लस 2 होगी, x प्लस 3 है इक्वल टू 0 किया जाए तो x की वैल्यू माइनस 3 होगी, x माइनस 4 अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू प्लस 4 होगी। हम टर्म बाय टर्म हम इसे चेक करेंगे, टर्म बाय टर्म हम इसे चेक करेंगे कि ये आंसर हमें क्या देते हैं। सो सबसे पहले ये जो है ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और x की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर q ऑफ 2 करते हैं, तो ये होगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 10 माइनस 6। इसका मतलब 16 माइनस 16 कैंसिल होंगे, आंसर इज 0। और ये हमारे पास आंसर आ रहा है q ऑफ 2 का। रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब हम x को चेक करेंगे माइनस 3 के लिहाज से, अगर हम x की वैल्यू माइनस 3 पुट करते हैं, q ऑफ माइनस 3 ये होगा माइनस 3 होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6। यहां पर आ जाएगा माइनस 27 प्लस 18 माइनस प्लस 15 माइनस 6। सो बेटा माइनस 27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर आता है 33 माइनस 33, रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब है q ऑफ माइनस 3 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज 0। तो सो सिंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर। अब हम चेक करेंगे कि क्या x माइनस 4 भी इसका फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए हम इसमें x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, सो q ऑफ 4 इक्वल टू 4 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 4 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 32 माइनस 20 माइनस 6। इन तमाम वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 70।
और 70 जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है, सिंस x माइनस फोर इज नॉट अ फैक्टर। जी बेटा, ये है हमारे पास किसी भी फैक्टर को चेक करने का मेथड कि क्या वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर फोर देखें इसका, क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें रिक्वायरमेंट ये है, जो चीज हमें गिवन है वो ये है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो x प्लस टू पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि x प्लस टू से अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास जीरो आना चाहिए। सो इसका मतलब है कि p ऑफ माइनस टू जो है ये शुड भी इक्वल होना चाहिए जीरो के, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब हम इस इक्वेशन के अंदर माइनस टू पुट करते हैं जहां जहां पे वैल्यूज हैं, फोर इंटू माइनस टू होल क्यूब माइनस सेवन इंटू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस टू माइनस थ्री एम जो है ये इक्वल होना चाहिए जीरो के। सॉल्व करेंगे तो माइनस टू क्यूब इज माइनस एट इंटू फोर माइनस थर्टी टू, माइनस टू स्क्वायर इज प्लस फोर, प्लस फोर इंटू माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री एम इक्वल टू जीरो। इन तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो माइनस सेवेंटी टू माइनस थ्री एम इक्वल टू जीरो। अब यहां पर माइनस थ्री एम है, इस तरफ जाकर प्लस थ्री एम होगा और ये माइनस सेवेंटी टू ही रहेगा। एम इक्वल टू माइनस सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय थ्री। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करेंगे तो एम इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स और थ्री फोर जा ट्वेल्व। इसका मतलब एम की वैल्यू जो है वो माइनस ट्वेंटी फोर होनी चाहिए, उस सूरत में ये पॉलिनोमियल x प्लस टू पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगी।